बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू देसी अमेरिकन मॉम व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में लेकर आई हूँ ग्रीन चटनी, और ये रमज़ान में सभी के दस्तरखान पे होती है इफ्तार के वक्त, तो उम्मीद है आपको भी पसंद आएगी। तो बहुत आसान इजी तरीके से बताऊँगी और सारी चीज़ आपके घर में मौजूद होंगी। तो चलिए देखते हैं इंग्रीडियंट्स। या मैंने धनिया लिया है और धनिया एक गड्ढी है, धनिया के साथ ही मैंने पुदीना लिया है, पुदीना आधी गड्ढी है। पुदीने के डंठल हमने निकाल दिए, धनिए के छोड़ दिए जो बारीक वाले थे। इसके साथ ही मैंने लिया हरी मिर्चें 7 से 8, लहसुन के जवे 2 लिए हैं 2 से 3, और इमली का पेस्ट लिया मैंने 3 से 4 टेबल स्पून, नमक जाएगा इसमें। इन सब चीज़ों को मैं पीस लूँगी बारी बारी डाल के। सबसे पहले हम इमली को चेक कर लेंगे एक दफ़ा, और हाथ से चेक करना पड़ता है क्योंकि गुठलियाँ होती हैं इसमें। मैंने डाली थी, चेक करके ही रखी थी, लेकिन एक दफ़ा मैंने और चेक कर लिया। इन सब चीज़ों को मैं पीस लूँगी। इसमें धनिया डाल देंगे, पुदीना डाल देंगे, और लहसुन, और थोड़ा सा नमक डाल दूँगी मैं। हाफ टेबल स्पून और लाल मिर्चें 1/2 टीस्पून, और मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर डाला है 1/2 टेबल स्पून। थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे पीस लेंगे। ये देखिए हमारी रेडी हो गई। हम इसे बॉल में निकाल लेंगे, और ये बहुत ही मज़े की यम्मी होती है। रमज़ान में तकरीबन सभी के घर में बनती है चटनी, हरी चटनी तो हर किसी के घर में बनती है, और इसके साथ पकौड़ा का बहुत अच्छा जायका आता है। तो उम्मीद है कि आप इसी स्टाइल में बनाएंगे मेरे स्टाइल में, तो आपको और मज़ा आएगा। इसे ज़रूर बनाएगा, अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। मुझे आपके लाइक का कमेंट्स का इंतजार रहता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, मेरा इंस्टाग्राम में इसे फॉलो कीजिएगा, देसी अमेरिकन मॉम व्लॉग। वीडियो पसंद आए तो लाइक दे दीजिएगा, और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपने अपने घर वालों को, अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।